अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक टू अनदर व्लॉग। भाई आज का व्लॉग का सीन कुछ यूं है क्योंकि आज मुझे जाना है बारात में, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने एक व्लॉग अपलोड करा था जहाँ मैं मेहंदी में गया था, तो आज मुझे जाना है वहीं पर बारात में। खैर आज भी हम बहुत मज़ा करने वाले हैं और आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि मैं उठ तो जल्दी गया था 10 बजे, क्योंकि मुझे अपने भाइयों को भी लेने जाना होता है, तो इस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पाया और मेरे पास बहुत सारे काम भी थे तो मैं बिल्कुल ही भूल गया। खैर आज जुम्मा भी है तो मेरी तरफ से आप सब लोग को जुम्मा मुबारक। तो अभी हम रेडी होंगे जुम्मे के लिए, ताकि नहाकर मैं नमाज़ पढ़ने जाऊँ, फिर आके मैं, क्योंकि आज और थोड़े बहुत काम भी हैं। तो खैर अभी के लिए हम चलते हैं और आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा, जब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अभी के लिए बाय बाय। तो भाई मैंने नमाज़ भी पढ़ ली है, मैंने खाना भी खा लिया है, अब मैं जाऊंगा नीचे गाड़ी साफ़ करने, क्योंकि गाड़ी हद से ज़्यादा गंदी हो रही है क्योंकि आज बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, तो मुझे गाड़ी भी साफ़ करनी लाजमी है ताकि मैं जब रात में जाऊँ तो गाड़ी चमचमाती भी जाए। खैर और अभी मेरे ना ड्रेस की सिलेक्शन भी नहीं हुई कि मैं रात में क्या पहनूँगा क्या नहीं पहनूँगा, मेरा बिल्कुल भी दिमाग काम नहीं कर रहा है कि मैं क्या पहन के जाऊँ, क्योंकि ठंड भी है तो उस हिसाब से कपड़े पहनने पड़ेंगे। खैर वो सब तो एक अलग बात है। तो अभी मैं जा रहा हूँ नीचे गाड़ी साफ़ करने। खैर मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा सन्नाटा हो रहा है, तो बाकी आप लोग तो समझदार हैं कराची के हालात से। तो आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा और मेरे प्रीवियस ब्लॉग को जाके लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को लाजमी से लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि जल्दी जल्दी मैं सब्सक्राइबर गेन करूँ और मैं आप लोग के लिए और से और अच्छी वीडियो लाता रहूँ। तो अभी के लिए बाय बाय। तो हम नीचे आ चुके हैं और हो रही है शाम, मुझे कपड़े सेलेक्ट करने, मैंने कपड़े नहीं निकाले कि मुझे पहन के क्या जाना है। खैर और मुझे 7 बजे तक नानी के पहुँचना है, वहाँ से काशी को लेकर जाना है वेन्यू पर, और वेन्यू है डिफेंस में, बहुत ज़्यादा दूर है और आज ठंड भी बहुत है, तो उसी हिसाब से कपड़े पहनेंगे कि क्या पहनना है। खैर और ये मैं हूँ और ये मेरा गंदा शीशा। खैर अब ये अंदर चलते हैं, क्या सीखा अंदर जाएंगे और देखेंगे कि क्या निकालना और क्या नहीं निकालना। लाइट गई हुई तो अंदर पूरा अंधेरा। यार मेरे शादियों के कपड़े, ये तो जैकेट था, ये मैंने अभी रिसेंटली पहना था और ये मेरा नहीं, ये पापा का है। खैर पापा पहनते नहीं तो सच से मैंने पहन लिया, मैं पहनूंगा ये ब्लैक वाला, ये मुझे बहुत पसंद है, तो खैर मैं ये सही पहनूंगा आज, ये पहनूंगा। और ये पहन के इसके साथ मैं पहनूंगा गोल्डन कलर का कुर्ता पजामा, क्योंकि इसके साथ मैच कर देगा, तो मैं यही पहनूंगा। तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं ताकि रेडी हो जाएं और फिर शूज़ वगैरह भी निकालने हैं अभी। खैर फिर हम मिलते हैं आपसे रात में जाते हुए। तो भी बाय बाय। 3 hours later। तो भाई यहाँ पे मैं रेडी हो चुका हूँ, मैंने कपड़े भी पहन लिए हैं। खैर अब मुझे जाना है क्योंकि 7 बज चुके हैं और मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका हूँ अपने भाइयों की वजह से। खैर अभी मैं निकलता हूँ, तो फिर आपको मैं वहीं जा पहुँच कर ही दिखाऊँगा कि क्या सीन है। तो अभी के लिए बाय बाय। हम लोग फाइनली हम गाड़ी में आके बैठ गए बिकॉज क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, और काशी को मैंने जब लिया तो काशी साहब तैयार हो रहे थे और इन्होंने मुझे कहा भाई जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ, देर हो रही है। तो आप खैर हम गाड़ी में आ गए और अब हम DHA के मेन रोड पर जा रहे हैं, बाकी मैं आपको वहीं पहुंच के दिखाऊंगा कि क्या सीन है, क्योंकि नौफिल ये लोग सब पहुंच चुके हैं वहाँ पर। तो अभी के लिए बाय बाय। हम फंदर आ चुके हैं और यहाँ का ये इन्वायरमेंट देखें आप, ये काशी और एक और दोस्त है हमारा और हम अंदर जा रहा हूँ मैं, और यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है। बेटा हम लोग सही आए, तुम रो रहे थे नहीं स्टार्टर खत्म हो जाएगा स्टार्टर तुम ही खाने के लिए आते हो, हम तो बिहार पिक्चर हम मैं सिर्फ पिक्चर्स के लिए आता हूँ, साफ सीधी बात। झूठ झूठ मैं झूठ नहीं बोलता, बहुत झूठ बोल रहा है लड़का। लड़का नहीं है तुम्हारा कदन हो, तो लड़के नहीं हो तो तुम्हारा कदन हो। बाकी ये वेन्यू पर आ गए, बाकी मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ क्या सीख रहा है। फाइनली हम लोग अब वेन्यू पर आ चुके हैं और ये हमारा पूरा फुल वेन्यू है और ये काशी साहब बैठे हुए। देखा मैंने आपको बताया था यार हर दफ़ा स्नैप 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 पिक्चर देखा था जब क्लिक स्नैप और या तो फिर इसका खापा, इट्स मोर देन इम्पोर्टेंट। खैर बाकी अभी बारात वाले आए नहीं है और नौफिल गाजी उधर खड़े हुए हैं और बाकी आप सब देख ही सकते हैं। बस अब थोड़ी देर बाद
जब बारात आएगी तो मैं आपको बोलूँ। भी आ गया है, ये तोहफे है और ये हमारे स्कैटर भी आ गए। फोकस नहीं हो रहा और कांच ने भी शुरू कर दिया है। बाहर आ गए और यहाँ चल रहा है शूट। हमारी भी ले देना, हम भी आए। काश यहाँ पे मेरे लिए गाना निकाल ला। मैं खुद खा लूँगा। काफ़ी गलत बात है ये। सही बात करते हैं। अभी यहाँ पे खाने में इतना सारा कुछ समझ नहीं आ रहा खाए क्या। काफ़ी देर से कोल्ड ड्रिंक लेके घूम रहा हूँ मैं तो। भाई मैंने यहाँ पे खाया नहीं और ये बिल्कुल खाने में लगे हुए हैं। ये देखो ये देखो ये क्या मजाक है ये। यहाँ पे हमने पूरी शादी में खाना ना करने के बाद मैंने तो बैठ के खाया है। तुमने बैठ नहीं, ये भी खड़ा हुआ, ये बेचारा। भाई काजी साहब मुझे खिला रहे मीठा। चाय ले लो, मेरी ले उठा लो, मैं पीऊंगा। यहाँ पर हम लोग आए थे, यहाँ पे ससुराल वाले भी आए हैं। ये हमारे साईं परेश साहब का साथ आ रहे हैं। किनके साथ? I am a huge fan of his cricket. हसन क्या क्या हुआ? बोलो हाय गाइस। हे गाइस कैसे हैं आप? हे गाइस चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए खाट ओवर एक्टिंग के वजह से। अब आया बस नहीं बस क्या हुआ काजी? हम लोग अब जा रहे हैं, अच्छे ज्यादा टाइम हो गया और यहाँ पे ठंड भी हो गई है। अरे ये हाथ में नहीं लेना गाइस, क्या कर रहे हो? चलो भाई चलो, कल है वलीमा। चलो भाई अल्लाह हाफिज। ठीक है ठीक है अल्लाह हाफिज। काशी भाई जल्दी चलो, इससे पहले मेरी घर पे शाम आ जाए। नहीं नहीं कॉल तो नहीं आई ना। फाइनली अब हम गाड़ी में आके बैठ चुके हैं और इवेंट भी हो गया ख़त्म। नौफिल वगैरह गाजी और सम सबसे मिलकर अब हम अपनी गाड़ी में आ गए हैं और हम जा रहे हैं घर। यहाँ से पहले मैं नानी के जाऊँगा और इसको छोड़ूंगा। इसको छोड़ने के बाद वहाँ से मुझे अम्मी को पिक करना है और फिर वहाँ से मैं अपने घर जाऊँगा। तो अभी के लिए बाय बाय, बाकी मैं व्लॉग एंड घर पे जाके करूँगा। ठीक है तो भाई हम अपने घर आ चुके हैं और तकरीबन अभी बज रहे हैं 2:30 और मुझे अब आ रही है बहुत ज़्यादा शदीद नींद। व्लॉग भी मैं कल ही एडिट करूँगा और कल ही पोस्ट करूँगा तो आप देखना नहीं भूलेगा। और लास्ट में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। खैर अभी के लिए अल्लाह हाफिज़ और मेरे इस व्लॉग को बहुत ज़्यादा लाइक करिएगा, मैंने आपके लिए बहुत मेहनत से बनाया है। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।